वेलकम व्यूअर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर क्लास में हम लोग फेस्टिवाला हिपैटिका के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डीप स्टडी करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने उसके जनरल स्ट्रक्चर को देख लिया है और बॉडी वॉल को भी देख लिया है। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम इन फेस्टिवाला हिपैटिका। फेस्टिवाला हिपैटिका का डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होता है और साथ ही साथ ये क्या है, ब्रांच्ड। आप देख सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड, ब्रांच्ड एंड विदाउट एनस। इसके पास एनस नहीं है। तो आइए हम लोग इसका स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जिसमें हम स्टडी करेंगे इसके माउथ, डिफरेंट पार्ट्स, माउथ, फेरिंग्स, ओसोफेगस, इंटेस्टाइन, क्योंकि एनस तो प्रेजेंट है नहीं। आफ्टर डेट इसके हम फूड एंड फूडिंग बिहेवियर के बारे में जानेंगे कि क्या है, और लास्टली कैसे ये डाइजेशन इसमें कैसे होता है। तो यहाँ पे आप पूरी तरह से फिगर देख सकते हैं कि फेस्टिवाला हिपैटिका का डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बनाया है। माउथ देख सकते हैं आप, माउथ एंटीरियर टीप पे है। माउथ के चारों तरफ क्या है, ओरल, आप क्या बोल सकते हैं, ओरल सकर। ये हमारा क्या है, ओरल सकर। और ओरल सकर क्या करता है, आपका सर्कुलेट करता है या सराउंड करता है किसको, माउथ को। जस्ट उसके नीचे, ओरल सर्कल के नीचे क्या है, मस्कुलर फेरिंग्स। आप देख सकते हैं क्या है ये, मस्कुलर फेरिंग्स। और मस्कुलर माउथ लीड करता है मस्कुलर फेरिंग्स, और मस्कुलर फेरिंग्स फाइनली लीड करता है ओसोफेगस। ओसोफेगस शॉर्ट होता है और छोटा होता है, आप देख ही सकते हैं। जस्ट उसके नीचे ये क्या है, टू पार्ट। आप ध्यान से देख सकते हैं कि आपका इंटेस्टाइन जो है वो बाइफर्केटेड हो रहा है दो लिंब में, एक राइट और एक लेफ्ट साइड में। यहाँ पे देख सकते हैं कि ओसोफेगस जस्ट बाइफर्केट इनटू टू लिंब। तो यही दो लिंब, मतलब ये ओसोफेगस है और ये टू लिंब में आपके क्या हो गए, आपके बाइफर्केट हो गया। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इंटेस्टाइन का क्या कहेंगे, इंटेस्टाइनल लिंब। तो आप ये देख सकते हैं ये क्या है, इधर का एक लिंब और ये इंटेस्टाइनल लिंब। और इंटेस्टाइनल लिंब के चारों तरफ ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ये ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर क्या है, सिकम या इंटेस्टाइनल डायवर्टिकुलम। क्या कह सकते हैं इसको हम, सिकम ब्रांचिंग। इधर भी देख सकते हैं आप, इधर भी देख सकते हैं, सिकम और ब्रांचिंग डायवर्टिकुलम है। और फाइनली ये आप जान ही रहे हैं कि क्या है, इन बिटवीन द ओरल सकर एंड एसिटाबुलम, जिसको हम पोस्टीरियर सकर भी कहते हैं और वेंट्रल सकर भी कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, आपका गोनोपोर, एंड आप देख सकते हैं लास्टली ये एक्सक्रीटरी पोर है। और मैंने इसमें कहीं एनस नहीं बनाया क्योंकि ये विदाउट एनस होता है। तो ये आप डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर इजीली देख सकते हैं कि कितना सिंपल है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री प्लांट कैनाल में कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं या कौन कौन सा पार्ट, क्योंकि इसका एलिमेंट्री कैनाल क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ब्रांच है, देख रहे हैं ब्रांचिंग इंटेस्टाइनल सिकम में, और फाइनली ये क्या है, ब्रांचिंग लाइक है और विदाउट एनस। तो सबसे पहले माउथ, वेंट्रली एपेक्स ऑफ द हेड लोब, हेड लोब के जस्ट एपेक्स पे क्या है, आपका माउथ प्रेजेंट है, सराउंडेड बाय ओरल सकर, ओपन इनटू ए फेरिंग्स। आफ्टर दैट फेरिंग्स, फेरिंग्स आपको मैंने बताया ओवॉइड है, शॉर्ट है, राउंडेड है, मस्कुलर है। और इसके वॉल को देखेंगे तो थिक वॉल कंटेन करता है क्या, बहुत सारे फेरिंजियल, न्यूमरस फेरिंजियल ग्लैंड जो डाइजेशन में मदद करेगा। आफ्टर दैट फेरिंग्स लीड इनटू ए शॉर्ट ओसोफेगस। तो ओसोफेगस क्या है, फेरिंग्स ओपन इनटू ए शॉर्ट नैरो ओसोफेगस, जो ज्वाइन क्या करता है, फर्दर ज्वाइन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के दो लिंब में बाइफर्केट हो जाता है। आफ्टर दैट इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन क्या है, इंटेस्टाइन इमीडिएटली बाइफर्केट। जैसे ही आपका ओसोफेगस आपका फेरिंग्स को और इसको ज्वाइन करता है, ये इंटेस्टाइन क्या होता है, दो भाग में बाइफर्केट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल लिंब। तो टू ब्रांचेस ये क्या है, इंटेस्टाइनल लिंब है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है आपका, फाइनली इंटेस्टाइनल लिंब। आप देख सकते हैं कि ये ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर क्या बना लेता है, आपका इंटेस्टाइनल सिकम और डायवर्टिकुलम। और इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे कि इट इज इम्बीडेड, या कहां तक फैला है, ब्लाइंडली कहां तक, मेसेनकाइमा में। क्योंकि ये पोर्शन हमारा क्या है, ये जो स्पेस पूरा है ये क्या है, मेसेनकाइमा है। बॉडी वॉल में आपने पढ़ा था कि टेगमेंट, टेगमेंट के जस्ट नीचे क्या आपका लेयर था, बेसमेंट में, बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर मस्कुलर मसल्स लेयर था, मसल्स के नीचे आपका, तो
आपका इस खास स्ट्रक्चर था स्पेस फिलिंग, जिसको हम मेसेनकाइमा कहते हैं। तो ये सब स्पेस क्या है? मेसेनकाइमा का स्पेस है। तो मेसेनकाइमा में ब्लाइंडली क्या है आपका ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो भी कहेंगे वो क्या बोलेंगे, सिक्कम या इंटेस्टाइनल डायवर्टिकुलम। अब हम अगर फूड एंड फीडिंग बिहेवियर की बात करें कि फूड एंड फीडिंग बिहेवियर क्या है, तो ड्यूरिंग फीडिंग के समय ये क्या करता है, ये माइग्रेशन करता है, यानी माइग्रेशन ऑकर ड्यूरिंग फीडिंग। फीडिंग के समय माइग्रेशन किया एक जगह से दूसरे जगह, ये बाइल डक्ट में या बाइल ट्रैक्ट में जा रहा है, तो ये क्या करता है, सक अप ब्लड। क्या डाइजेशन में क्या लेता है, ये ब्लड को, सक अप द ब्लड लिम्फ बाइल एंड टिश्यू पीसेस रैप्ड अप बाय द ओरल सकर फ्रॉम द वॉल ऑफ बाइलरी पैसेज। बाइल पैसेज से ये क्या करता है, ब्लड लिम्फ बाइल टिश्यूज को क्या करता है, खाता है। साथ ही साथ ओरल सकर और फेरेंजियल जो फेरिंग्स होता है, क्योंकि इसका फेरिंग्स कैसा है, मस्कुलर है, वो क्या करता है, हेल्प इन सकिंग। तो इसलिए ओरल सकर क्या है, ओरल सकर जस्ट लाइक क्या है आपका सकिंग मेथड, यानी ये फूड को लेने में मदद करता है। अब अगर डाइजेशन की बात करें कि डाइजेशन कैसा, हमने फूड एंड फीडिंग तो जान लिया कि क्या खा रहा, बाइल डक्ट में है, बाइल पैसेज में है, तो ये बाइल ब्लड और टिश्यूज उसके उसको लेगा। अगर डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, और कहाँ हो रहा है, इंटेस्टाइन के लिम्ब में। आप देख रहे हैं ये कहाँ हो रहा है, इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटेस्टाइन में हो रहा है। इंटेस्टाइन वॉल कंटेन करता है बहुत सारे सिक्रीटरी और एब्जॉर्प्टिव सेल, दो तरह का सेल क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है दो तरह का सेल, फर्स्ट सेल सिक्रीटरी है, दूसरा एब्जॉर्प्टिव सेल। तो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होता है किससे, सिक्रीटरी सेल से, और एब्जॉर्प्टिव क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करेगा फूड, एब्जॉर्प्टिव सेल क्या करेगा, फूड को एब्जॉर्ब करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसके पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। हम लोग का डाइजेशन के बाद क्या होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम एब्जॉर्ब के बाद डिफरेंट पार्ट में ले जाता है सेल टू सेल, बट इन केस ऑफ ये नो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, डाइजेशन फूड जो एब्जॉर्ब हो रहा है एब्जॉर्प्टिव सेल से, ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस पार्ट बाय इंटेस्टाइनल डायवर्टिकुलम, और कहां तक, मेसेनकाइमा तक। और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा इसी मेसेनकाइमा में, ये स्पेस जो है मेसेनकाइमा, अदरवाइज क्या कहेंगे, अदरवाइज इंजेस्टेड बाय माउथ, या फिर वो माउथ से बाहर निकलेगा। तो अनडाइजेस्टेड फूड कैसे इंजेस्ट हो रहा है, अदरवाइज माउथ मतलब इंजेस्टेड मतलब माउथ से बाहर निकल रहा है, अदरवाइज डिफ्यूज कहां हो रहा है, इस स्पेस फिलिंग स्पेस में, जिसको हम क्या कहते हैं, मेसेनकाइमा। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि समटाइम क्या करता है, ये फ्रॉम ब्लड, ये क्या करता है, फ्रॉम ब्लड मोनोसैकेराइड, जैसे ग्लूकोज और आपके फ्रुक्टोज को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है बाय जनरल बॉडी सरफेस से। तो इसका जनरल बॉडी सरफेस क्या था, टैगोमेंट था, तो उससे क्या करेगा, ये आपका एब्जॉर्ब करता है समटाइम। और ये भी देखा गया है कि फूड स्टोर हो रहा है किसमें, इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जो आपका फूड एक्स्ट्रा फूड है वो एब्जॉर्ब हो रहा है कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है कि फूड स्टोर इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट, कहां पे, मेसेनकाइमा और उसके मसल्स के लेयर में। और साथ ही साथ क्या है, सम एमिनो एसिड ऑल्सो एब्जॉर्ब बाई टेगुमेंट, आपने पढ़ा है बॉडी वॉल में, तो टैगोमेंट के द्वारा भी कुछ एमिनो एसिड एब्जॉर्ब ये करता है। तो बॉडी डिफ्यूज कैसे कर रहा है, अदरवाइज बॉडी वॉल से कर रहा है, अदरवाइज आपका क्या कहेंगे, इसका माउथ, क्योंकि इसके पास एनस नहीं है। तो ग्लाइकोजन और फैट बॉडी के रूप में आपका क्या है, स्टोरिंग फूड जो भी है वो जमा करके रखेगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ, क्या कह सकते हैं इसको, फेसियोला हिपेटिका का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही आसान है, फ्रॉम माउथ टू इंटेस्टाइन एनस एब्सेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इसकी अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी के लिए भी इसके पास कोई ऑर्गेन नहीं है, तो विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गेन ये रेस्पिरेशन कैसे करता है, तो ये कहाँ पे है, इट प्रेजेंट इन टू द बाइल में है, तो बाइल में एनारोबिक कंडीशन में ये क्या करेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन वहां पे हो रहा है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है, वो डायरेक्ट जो भी आपका एब्जॉर्प्शन जो बॉडी सरफेस से जो भी आपका ले रहा है वो क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है फाइनली किसमें, जनरल बॉडी सरफेस से, उसमें आपका रेस्पिरेशन हो रहा, और जिसकी वजह से ग्लाइकोजन जो है
वो कैसे टूट रहा है, लैक्टिक एसिड और CO2 में टूट रहा है। और फाइनली ये बॉडी से लैक्टिक एसिड क्या करेगा आपका, वो मेसेनकाइमा में डिफ्यूज कर देगा और CO2 बॉडी सरफेस से निकल जाएगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी इसके पास कोई ऑर्गेन नहीं है और ये क्या करता है, जनरल बॉडी सर्फेस से ये डिफ्यूजन के थ्रू क्या करेगा, अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस इन एन एरोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको बहुत आसान लगा होगा क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये टॉपिक इजिली समझ में आए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप लोग की ही मदद से मैं आज इतने आगे बढ़ रही हूँ। तो थैंक यू व्यूअर्स।